सो दोस्तों कैसे हो आप लोग। सो वेलकम बैक टू वर्क विद स्टाइल। और आज हम डिस्कस करेंगे एक और बजट लैपटॉप के बारे में जो कि मैंने लाया है एचपी का। इसको भी अरेंज करने में थोड़ा मुश्किल पड़ा था मेरे को। एग्जैक्टली लोग बोल रहे थे कि यार 128GB SSD में उनका काम नहीं हो पाएगा, तो क्या 512 में क्या बेस्ट लैपटॉप मिल पाएगा। एचपी एक अच्छा ब्रांड है, सपोर्ट भी इनका आफ्टर मार्केट काफी अच्छा है। चलो देखते हैं लैपटॉप कैसा परफॉर्म करता है। So, इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। एग्जैक्टली डब्बा काफी बड़ा है, 15 इंच का लैपटॉप है, सो बॉक्स तो बड़ा होगा ही। चलो लैपटॉप को बाहर निकाल के देखते हैं। बॉक्स खोलने के पहले बाहर देख लेते हैं। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम का मिल जाता है। सो बॉक्स को बाहर निकालते ही आपको एक लैपटॉप मिलेगा ऑफकोर्स। और क्या मिलने वाला है, लैपटॉप कैसा है वो जल्दी डिस्कस करते हैं। और क्या मिलता है बॉक्स में आपको, एक चार्जर और कुछ बिल्स। अब उन्होंने बिल तो भेजा नहीं है, बट स्टिल आपको साथ में ये दो चीज मिलने वाला है। लैपटॉप 15 इंच का एंड लैपटॉप ओवरऑल अगर लुक देखा जाए तो स्लिम एंड ऑल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। परफॉर्मेंस तो आगे डिस्कस करेंगे। सो जैसा मैंने इसके बिल्ड के बारे में बताया, एग्जैक्टली प्लास्टिक बिल्ड में आपको मिलता है। प्लास्टिक बिल्ड होने के बाद थोड़ा सा इसमें बॉडी फ्लेक्स तो आपको मिलने वाला है। जैसा आप देख सकते हो कि बॉडी फ्लेक्स है इसमें, उतना ज्यादा नहीं है बट है। अब एग्जैक्टली एचपी का लोगो तो बहुत प्यारा देखने को मिलता है। अगर हम लैपटॉप को ओपन करते हैं और कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करते हैं, तो कीबोर्ड फ्लेक्स तो यार थोड़ा है इसमें। आई थिंक इस रेंज में जो इन्होंने स्पेसिफिकेशंस दिया है और सारा कुछ दिया और जो 15 इंच का साइज है, इसमें थोड़ा बॉडी फ्लेक्स आपको मिलने वाला है, बट ना ज़्यादा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो आपको टाइपिंग में। और टाइपिंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस क्योंकि कीज काफ़ी साइज में बड़े हैं तो मुझे सही लगा। टच पैड का जो कंसोल है ये मेरे को थोड़ा सा छोटा लगा। एग्जैक्टली आज के डेट में जो कोई कंपिटिटर्स लैपटॉप है वो टच पैड कंसोल बढ़ा देते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। थोड़ा सा जो इन्होंने लेफ्ट साइड कर दिया है, इसको अगर थोड़ा बीच में रखते तो बेटर होता। पीछे इसके कुछ मॉडल नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं, इसके फैन के सारे आउटलेट्स मिल जाते हैं और दो एक अच्छा खासा रबड़ ग्रिप मिल जाता है जो कि इसको आपको टेबल पे अच्छा स्टेबिलिटी देने वाला है। और अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं तो एग्जैक्टली यार आज के मॉडर्न वर्ल्ड में लैपटॉप का थिकनेस भी मैटर करता है। ओवरऑल लुक की अगर बात करें तो इसको मैं एग्जैक्टली प्रोफेशनल्स को, ऑफिस गोइंग पीपल के लिए, प्लस अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है उसको अपने लिए कोई लैपटॉप लेना है फॉर कोडिंग एंड मिनिमलिस्टिक गेमिंग, आप इस लैपटॉप को ले सकते हो। अगर ओवरऑल हम इसके लुक की बात करें तो यार मैं इसको 10 में से 7 रेट जरूर देना चाहूंगा। इन्होंने जो एल्युमिनियम लुक दिया है और ये जो अंदर के साइड इन्होंने एल्युमिनियम बॉडी दिया है, ये इस लैपटॉप को थोड़ा सा प्रोफेशनल लुकिंग बनाता है। एंड इसको एग्जैक्टली आप अगर अपने ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं भी यूज़ करना चाहते हो तो ठीक ठाक आपको एक्सपीरियंस देने वाला। आई विल नॉट से कि बहुत अच्छा लुक है, बट इट्स गुड इन द प्राइस रेंज दे आर ऑफरिंग। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसमें PUBG डाल कर रखा है एंड हेलो इनफाइनाइट इंस्टॉल कर रखा है। लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अरे भैया गेमिंग का कब बताने वाले हो? बताऊंगा यार, गेमिंग भी बताऊंगा, पहले स्पेसिफिकेशन तो डिस्कस कर लें। सो ये जो लैपटॉप है आपको ये i3 12th जनरेशन के साथ मिल जाता है। थोड़ा सा प्राइस इसीलिए ज्यादा है बिकॉज इसमें 12th जनरेशन चिपसेट लगा हुआ है इंटेल का। इसमें आपको 8GB DDR4 RAM मिल जाता है, एक्सपेंडेबल आप चाहो तो 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, फर्दर भी कर सकते हो। इसमें जो OS आपको मिलता है, दैट इज द लाइसेंस वन, दैट इज विंडोज 11 होम। स्क्रीन साइज तो आप देख ही रहे हो, 15.6 इंच का लैपटॉप है, काफी ह्यूज लैपटॉप है, बट स्टिल द वेट इज वेरी लेस। SSD इसमें आपको 512GB का NVMe मिल जाता है, जिसका स्पीड रीड एंड राइट स्पीड काफी अच्छा है। एंड 512 कहने का मतलब इस रेंज में जो स्पेशली लैपटॉप आते हैं या लोगों ने लॉन्च किया है, उस समय अराउंड 128GB या 256GB के साथ आता है SSD, बट ये आपको 512GB के साथ मिलता है। प्राइस रेंज इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है अगर कंपेयर करें हम इसके कॉम्पिटिटर से मार्केट में, तो समय अराउंड अगर इसका प्राइस आपको बता ही देता हूँ, 44,000 के अराउंड होगा जैसा मैंने मार्केट में रिसर्च किया है। एक बार इसके पोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फिर गेमिंग पर आएंगे। इसमें आपको एग्जैक्टली 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं जो कि 3.2 वाले हैं एंड 5GBPS का जिसका स्पीड होता है। लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक सी टाइप पोर्ट मिल जाता है, इसका भी 3.2 जेन है प्लस 5GBPS का स्पीड एंड राइट है। एक HDMI पोर्ट मिल जाता है, काश इसमें डिस्प्ले पोर्ट भी मिलता बट डिस्प्ले पोर्ट नहीं है, कोई बात नहीं। प्लस आपको यहाँ पे पावर ऑन स्विच के लाइट्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ इधर भी जो चार्जिंग पॉइंट है इसमें भी आपको चार्जिंग लाइट इंडिकेटर मिल जाता है। और अगर हम फ्रंट में देखें तो इसमें आपको एक कार्ड रीडर मिल जाता है, फुल साइज कार्ड रीडर। यार थैंक गॉड लैपटॉप आज के डेट में भूलते जा रहे हैं,
बहुत जरूरी चीज है, कहां आप कार्ड रीडर लेकर घूमते रहोगे। साथ ही एक आपको हेडफोन जैक मिल जाता है। अब बहुत बात हो गई स्पेसिफिकेशंस और ऑल की, अब एक बार इसमें गेम खेल कर देखते हैं कि गेम चलता भी है कि नहीं। आ जाओ आप लोगों को गेम खेल के दिखाता हूँ, देखते हैं कि क्या आपको एक्सपीरियंस मिलता है उसमें। चलो एक बार पबजी बैटल ग्राउंड इसमें खेल कर देखते हैं कि चलता भी है कि नहीं। पबजी लोड तो हो गया है, चलो खेल कर देखते हैं कि फ्रेम ड्रॉप कितना मिलता है। मैच मेकिंग भी स्टार्ट हो गया, इट मीन्स पबजी इस लैपटॉप पे आसानी से खेल सकते हो। फ्रेम ड्रॉप ग्राफिक्स वो कितना कैसा दिखता है वो आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसा देख सकते हो कि गेम तो मैं एग्जैक्टली खेल पा रहा हूँ, हल्का हल्का फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को मिल सकता है। लैग मिनिमल है, बट हाँ लैग है यार, ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल लैग नहीं है। ओके, एक बार इसका सेटिंग्स देख लेते हैं कि किस सेटिंग्स में हम एग्जैक्टली इसको खेल रहे हैं। अगर इसमें हम सेटिंग्स के बारे में बात करें तो इसमें सारे पोस्ट प्रोसेसिंग, शैडोस, टेक्सचर्स, एफेक्ट्स एंड ऑल वीडियो रिलेटेड थिंग्स सारा वेरी लो सेटिंग्स, इसलिए इस गेम को हम चला पा रहे हैं। अब जैसा आप टॉप पे देख सकते हो कि इसमें आपका एनवीडिया डिसेबल दिखा रहा है बिकॉज इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। रेस्ट आप हल्का फुल्का गेमिंग इसमें कर सकते हो अगर पबजी जैसे गेम को एटलीस्ट रन भी कर पा रहे हो अगर आप। तो अगर हीटिंग की बात करें तो अभी तक मेरे को हीटिंग का कोई इशू इसमें फील नहीं हुआ। चलो एक बार इसमें हेलो इनफाइनाइट खेल के भी देख लेते हैं कि हेलो इनफाइनाइट चलता भी है कि नहीं। गेम को स्टार्ट करते ही ये कह रहा है ग्राफिक्स डिवाइस डज नॉट मीट द एप्लीकेशंस मिनिमम स्पेसिफिकेशन। दैट मींस यार कुछ लोग क्रिएटर्स बोलते हैं ना कि हर गेम चल जाता है, भाई देख लो कि गेम चलता है कि नहीं। एग्जैक्टली ये गेम के लिए नहीं बना है, दिस लैपटॉप इज फॉर प्रोफेशनल्स एंड फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, बट स्टिल देखते हैं कंटिन्यू करके। गेम लोड तो हो गया है बट अभी तो सिनेमेटिक्स है, देखते हैं गेम इनिशिएट हो पाता है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो कि गेम क्रैश कर गया, दैट मींस अगर आप हेलो इनफाइनाइट या उस लेवल का गेम खेलना चाहोगे तो वो इसमें नहीं चलने वाला। कोई भी गेम जिसमें ग्राफिक्स का रिक्वायरमेंट है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स का रिक्वायरमेंट है, वो गेम आप इस पे नहीं खेल पाओगे। लेकिन गेम लाइक टैंक फोर्स, पबजी टू अ लिमिट एंड छोटे छोटे गेम्स आप खेल सकते हो। चलो इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये आपको फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ मिलता है। लॉन्ग बैटरी लाइफ इसमें आपको मिल जाता है विद फास्ट चार्जिंग, 64 वाट का आपको इसमें बैटरी चार्जर मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको कीबोर्ड विद बैकलिट ऑप्शन मिल जाता है जो कि इस लैपटॉप के ओवरऑल लुक को काफी कूल बनाता है। 720 पिक्सल कैमरा मिल जाता है फ्रंट में, आपको डुअल स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है। एक बार इसके साउंड क्वालिटी को सुन के देखते हैं। अभी जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो ये इसके वेबकैम के थ्रू देख रहे हो जो कि 720p में आता है। क्वालिटी कैसा है आप मेरे को कमेंट करके बताना, और रेस्ट ऑडियो क्वालिटी भी आप इसी के थ्रू देख रहे हो, सुन रहे हो, सो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या वीडियो कॉल के लिए बेटर रहेगा कि नहीं। अगर फ्रेंड्स फाइनल कंक्लूजन की बात करूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आपको बताऊं तो ये लैपटॉप आप तभी लेना पसंद करोगे जब आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या आप प्रोडक्टिविटी में बिलीव करते हो और यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो अपने इस लैपटॉप को अपने ऑफिस में या काइंड ऑफ ऑफिशियल यूज के लिए यूज करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, उन सब चीजों में ये लैपटॉप आपको कोई परेशानी नहीं देने वाला है। लेकिन अगर आप गेम ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको थोड़ा गेमिंग भी खेलना चाहते हो और थोड़ा सा यू नो काइंड ऑफ GTA 5 एंड ऑल खेलना चाहते हो तो थोड़ा सा इसमें आपको मिसिंग मिलने वाला है बिकॉज इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आपको नहीं मिलता है। और जैसा मैंने सुना दूसरे क्रिएटर्स को बोलते हुए कि भाई i3 में भी सारे गेम चल जाते हैं, वैसा जरूरी नहीं है कि पॉसिबल हो। आपके सामने मैंने हेलो इनफाइनाइट चलाकर दिखाया था। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड, आपके ऊपर है ये डिसाइड करना कि आपको लैपटॉप लेना है कि नहीं। रेस्ट इस लैपटॉप का लिंक आपको मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और संपत्ति कंप्यूटर्स को आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर गेटिंग दिस लैपटॉप इन NCR।